जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, अपनी क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज हम देखेंगे आज पार्ट चार। दोस्तों, हमें आपका बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करना है कि हम स्पेस दिए जाएं कि ये अरवे। तो दोस्तों, हम डायरेक्ट अपने उस पर आते हैं, अपने काम पर। तो दोस्तों, आज देखेंगे हम पार्ट चार, अंग्रेजी वर्णमाला का पार्ट चार, मध्य पद निकालना। दोस्तों, दो दिशाओं के बीच हम मध्य पद कैसे निकालते हैं? तो प्रश्न वन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24वें अक्षर के दाएं 21वें अक्षर 21वें अक्षर बाएं से 24वें अक्षर के दाएं 21वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा? दोस्तों, इसके लिए भी आपको बेहतरीन ट्रिक दी जाएगी। और कोई नया व्यक्ति हमारी चैनल को देख रहा है, हमारी वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो दोस्तों, बताते हैं हम इसकी ट्रिक। तो इस कंडीशन में दोस्तों, मध्य पद निकालने में बायां प्लस बायां बराबर दो सूत्र है दोस्तों। ये सूत्र है दोस्तों। पहला, बायां और बायां बटे दो, दायां प्लस दायां बटे दो। ये दो सूत्र हैं दोस्तों, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम अपने प्रश्न को देखेंगे। और दोस्तों, दाएं को इस टाइप में, जब हम दाएं को लेफ्ट में चेंज करेंगे तो हम 27 से ही माइनस करेंगे, क्योंकि हमारी पूरी अंग्रेजी वर्णमाला बनी हुई है, वो तो अर्धांश में हमें 14 और 40 से माइनस करना था दोस्तों। तो आप ये नोट कीजिए, हम अपना प्रश्न देखेंगे फिर। तो आपने ये नोट कर लिया होगा दोस्तों। अब हम देखेंगे अपने प्रश्न को दोस्तों। बायां 24 कोमा दायां 21, यह प्रश्न है दोस्तों। और सूत्र है दोस्तों हमारा बायां और बायां बटे दो, दायां और दायां बटे दो। दोस्तों, ये तो कोई भी सूत्र नहीं है कि बायां और दायां सूत्र नहीं होता। तो दोस्तों, जो सबसे शुरू में है कंडीशन में दायां हो या बायां, वो तो हमें ऐसे ही रखना है। और जो सबसे बाद में दोस्तों, माना ये दायां है तो हमें ये भी दायां बनाना होगा, ये बायां है तो बाद का भी बायां बनाना होगा। दोस्तों, इस दाएं को हम बायां बनाएंगे तो बायां तो दोस्तों रहेगा ही अपनी जगह, बायां बराबर 24 प्लस, दोस्तों इसे हम दायां बना लेंगे। तो दायां बनाने के लिए दोस्तों 27 से माइनस 6, दोस्तों अब ये बाएं से आ गया, दाएं को बायां बना लिया दोस्तों 6। अब सूत्र है दोस्तों हमारा बायां और बायां, दोनों बायां बायां हो गए दोस्तों, तो इन्हें हम ऐड कर देंगे 24 प्लस 6 बटे 2। सूत्र है दोस्तों ये बायां बायां बटे 2। तो दोस्तों 24 और 36 बटे 2 काट दिया दोस्तों 15, ये बाएं से हमारा 15 आ गया दोस्तों, बाएं से 15। और 15 पर दोस्तों होता है हमारा ओ, हमारा फाइनल आंसर है। तो आप इसे नोट कीजिए दोस्तों। देखो दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में 24वें अक्षर के दाएं 20वें अक्षर के बीच कौन सा पद होगा दोस्तों? तो सूत्र मैंने आपको लिखाया, दायां दायां बटे दो, बायां बायां बटे दो। तो दोस्तों, जो सबसे शुरू में है बायां हो या दायां हो, तो वो तो आपको लेना ही है। और जो सबसे बाद में है, मान लो यहाँ दायां है, तो इस दिशा को हमें दायां बनाना होगा। और दायां पहले से ही है तो हम उसे डायरेक्ट सूत्र में रख देंगे। मान लो ये बायां है और ये दायां है, तो इसे हमें दोस्तों बायां बनाना होगा। और बायां बनाने के लिए 27 से माइनस,
और जब ये दोनों बाएं बाएं हो गए तो सूत्र में रख दिया मैंने, बायां बायां बटे दो काट दिया दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया दोस्तों हमें कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि हाँ आप हमें देख रहे हैं और हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों। अब हम देखेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। शेयर कर दीजिए दोस्तों, दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है, लेफ्ट 3 राइट 6, शॉर्ट में ले लेता हूँ दोस्तों। थ्योरी, हर प्रश्न की थ्योरी देखेंगे हम, तो टाइम काफ़ी हो जाएगा और दोस्तों हमें आपका टाइम ख़राब नहीं करना है। तो दोस्तों लेफ्ट बराबर 3 प्लस ये 6 को दोस्तों हम जोड़ नहीं सकते, 27 से माइनस करेंगे, क्योंकि ये हमें इसे भी दायां बनाना है, वो बायां बनाना है, सॉरी दोस्तों बायां बनाना है, लेफ्ट बनाना है। 27 से माइनस करेंगे 6 दोस्तों, 21 एल बराबर 24 बटे में 2 रखना है दोस्तों, 2 इसे काट देंगे दोस्तों, 12 एल बराबर 12 और 12 पर दोस्तों एल आता है हमारा, एल यही हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों। तो आप इसे नोट कीजिए, हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। स्टेप बाय स्टेप दोस्तों ये आखिरी पार्ट है अंग्रेजी वर्णमाला का, इससे अलावा आपका कोई भी प्रश्न बाकी नहीं रह जाएगा दोस्तों। ये थर्ड प्रश्न है हमारा, प्रश्न है दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 20वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। तो दोस्तों अब आप देखो एल और एल ये पहले से ही है दोस्तों, अब हम इन्हें डायरेक्ट सूत्र में रख सकते हैं दोस्तों। ये दिशा विपरीत समान आ रही है, इसे घटाएंगे नहीं है दोस्तों, ये टाइप अलग है उससे। तो एल बराबर 10 प्लस 22 एल बराबर बटे में 2 दोस्तों, बायां और बायां बटे 2, तो 22 और 10 32 बटे 2 काट दे दोस्तों, एल बराबर 16 और 16 पर दोस्तों हमारा पी आता है, यही हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों। तो आप इसे नोट कीजिए, चलते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों बस आपसे यही आशा करता हूँ मैं कि हमारे चैनल को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, हमें सपोर्ट कीजिए। और आपको किसी भी मैथ और रीजनिंग में किसी भी पार्ट में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट कीजिए या हमारा कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों हमसे 7668 3845 05 पर। दोस्तों आप हमसे व्हाट्सएप पर भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों हम देखेंगे अपना क्वेश्चन 4 है दोस्तों, राइट 24 राइट 8 वही बात है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 24 अक्षर के दाएं 8 अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। दोस्तों R और R हमें कोई भी कंडीशन बदलने की जरूरत नहीं है, हमें सेम दे रखी है दोस्तों। तो R बराबर 24 प्लस 8 बटे 2, सूत्र है दोस्तों मैंने आपको लिखवाया है, दायां प्लस दायां बटे 2। दोस्तों मान लो सपोज करो ये L होता, ऐसा प्रश्न बनेगा ही नहीं, यहाँ राइट और यहाँ लेफ्ट, दोस्तों यहाँ लेफ्ट होता, यहाँ लेफ्ट होता और यहाँ राइट, तो इसे हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते दोस्तों, ऐसे होगा ये प्रश्न, सारे ऐसे ही होंगे, कुछ नहीं है इन प्रश्नों में दोस्तों। दोस्तों बटे में 2 आर बराबर 24 और 8 32 बटे 2, दोस्तों 24 और 8 32 और बटे 2 इसे काट देंगे दोस्तों हम, 16 हमारा राइट से आ गया 16, और ये 16 हमारा आंसर नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर राइट से आ रहा है, तो इसे हमें 27 से माइनस करना होगा दोस्तों, 27 माइनस 16 और 16 से दोस्तों 4 और 7 11 11 हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों, 11 और 11 पर हमारा के आता है दोस्तों, के हमारा फाइनल आंसर है। तो दोस्तों इसी के साथ ये टाइप कंप्लीट होता है, आप इसे नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर।
आई होप दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम अपना देखने वाले हैं क्या नेक्स्ट टाइप। ये टाइप 7 था दोस्तों, टाइप वाइज चल रहे हैं हम, आप शुरू से ही टाइप वाइज चल रहे हैं दोस्तों। ये टाइप 7 था और जो आपके सामने जाने वाला है ये टाइप 8 है। और इस पार्ट में दोस्तों आपकी अंग्रेजी वर्णमाला पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो आप हमें कमेंट कर सकते हो हमें कौन से उसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, वरना कल को आपको घड़ी देखने को मिलेगी दोस्तों क्लॉक। ये टाइप 7 था दोस्तों, ये टाइप 8 है, टाइप 8 है, टाइप 8 होने वाला है दोस्तों। अक्सर युग्म, अक्सर युग्म, युग्म दोस्तों, अक्सर युग्म दोस्तों, अक्सर युग्म हम प्रश्न वन देखेंगे। प्रश्न वन, शब्द डिक्लेयरिंग, शब्द डिक्लेयरिंग शब्द डिक्लेयरिंग में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं, अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं, युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के मध्य, जिनमें से प्रत्येक के मध्य, प्रत्येक के मध्य उतने ही शब्द हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। दोस्तों ये प्रश्न है, मतलब दोस्तों जैसे कि डी लिखा है और ई लिखा है, तो जैसे डी है और सी है, तो डी ई और सी इसके बीच में एक अक्षर है दोस्तों, और डी और सी अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में भी एक ही अक्षर होगा दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा जब आपको मैं ये अक्षर भी कराऊंगा दोस्तों। ये प्रश्न है, आपको इसकी थ्योरी लिख लीजिए, फिर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा दोस्तों। थ्योरी से काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो डिक्लेयरिंग दोस्तों, डिक्लेयरिंग आर आई एन जी, एक बार मैं स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ दोस्तों। सही है दोस्तों। तो अब हमें दोस्तों इसके दो रूल हैं दोस्तों, जैसे कि डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, जो भी दोस्तों बट टकरा जाएगा, जैसे कि डी ई, तो दोस्तों ये एक युग्म बन गया दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, डी और ई के बीच में दोस्तों कितने शब्द हैं, जीरो, बिल्कुल एक भी शब्द नहीं दोस्तों। और अंग्रेजी वर्णमाला में ए बी सी डी दोस्तों इसमें भी एक वर्ण नहीं है। इसका कहना मतलब ये है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में वर्ण हैं उसमें ये बताइए कि इसमें कितने अक्षर हैं। तो दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हो, डी ई एफ जी एच आई जे के, या आप इनका सीरियल नंबर भी लिख सकते हो, 4 5 3 12 1 18 9 14 और ई एफ जी 7। तो दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि नंबर पढ़ो आप 4 5, दोस्तों एक पेयर बन गया हमारा डी और ई। फिर हमें दोस्तों आखिर तक चलना, जितने बनते चले जाएंगे हम करते चले जाएंगे। 4 5 एक बन गया दोस्तों, लिख लिया हमने 6 7 8 9 10 11 12, एक नहीं बना दोस्तों ये छोड़ दो। अब आएंगे हम 5 पर, इस पर आएंगे दोस्तों, ये तो हमारा बन गया जितना बनना था। तो दोस्तों 5 6 7 8 9 10 11 12 ये भी नहीं बना दोस्तों, 3 4 5 6 7 8 9 ये भी नहीं दोस्तों, 12 13 14 15 16 17 ये भी नहीं दोस्तों, 1 2 3 4 5 18 19 20 21 8 9 10 14 15। अब दोस्तों हमें इधर से भी चलना है, इधर से तो हमने चेक कर लिया दोस्तों, इधर से और करना है हमें भी। तो दोस्तों 7 8 और 9, तो दोस्तों ये एक बन गया हमारा जी और ई, आर पार करना है दोस्तों। 9 एक तो बन गया हमारा, 10 11 12 दोस्तों जी और एल बन रहा है, जी और एल 12
13, 14, 15 दोस्तों आगे नहीं बना, 14। अब यहाँ आएंगे दोस्तों, इधर से तो हमने पूरा गिन लिया दोस्तों, इधर से भी पूरा गिनना है। तो ये गिन लिया हमने 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं बनाया दोस्तों, 9, 10, 11, 12 ये बन रहा है दोस्तों आई और एल, आई और एल। 12, 13 नहीं बना दोस्तों, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बना दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5 दोस्तों ये बन रहा है हमारा 1, 2 और 3, 3 टकरा गया दोस्तों, 1, 2, 3, 3 लिखा है दोस्तों, 3 ही आ गया दोस्तों, ए और सी बन रहा है हमारा, ए और सी ये बनेंगे दोस्तों हमारे 5। तो इसमें 5 ऐसे ही गुम है दोस्तों कि उनके बीच में इतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपने इसे वीडियो रोक कर भी दोस्तों आप नोट कर सकते हो, हम देखेंगे अपना नेक्स्ट। तो दोस्तों आप देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न में दोनों दोस्तों बताया जाएगा आपको दोनों तरफा से, हमें दोनों तरफा से काउंटिंग करनी है दोस्तों, ब्रैकेट में लिखा मिला दोस्तों दोनों तरफा से, ये पहचाने की हमें दोनों तरफा से करनी है एक तरफा से। अब क्वेश्चन दूसरा देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन सेकंड, वंडर्स वंडर्स वन डर्स यह है दोस्तों। तो आप ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, डब्लू एक्स वाई जेड ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, या इसका सीरियल नंबर लिख लीजिए दोस्तों। तो जैसे दोस्तों आपको मान लें डायरेक्ट याद नहीं आ रहा कि डब्ल्यू कौन से उस पर है, तो दोस्तों टी मैंने ज्योति लिखवाया था आपको, टी 20 पर होता है, तो टी यू वी डब्लू दोस्तों 20, 21, 22, 23 पर होता है, 23, 15, 14, 4, 5, 18, 19। तो दोस्तों आप इसका ये भी दोनों तरफ आते दोस्तों, दोनों तरफ से ऐसा मिला दोस्तों आपको काउंटिंग में, मतलब ब्रैकेट में मिला आपको दोस्तों दोनों तरफ से। तो दोस्तों आप ऐसा करो, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 नहीं बना दोस्तों, एक बार को पूरी सीरीज में खींचना है दोस्तों, इससे नहीं बना तो फिर दूसरे अक्षर पे चलो दोस्तों, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं बना दोस्तों, इसे ही पूरी उसमें खींचना है दोस्तों। फिर आते हैं हम अपने 14 पर, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं बना दोस्तों, 4 और 5 एक बन गया दोस्तों, इधर साइड में लिख देते हैं हम डी और ई, ये बन गया दोस्तों, इसे ही पूरी सीरीज में खींचेंगे हम, 4, 5, 6, 7 नहीं बना दोस्तों। अब आते हैं हम ई पर, 5, 6, 7 नहीं बना दोस्तों, 18 और 19 ये बन गया दोस्तों हमारे, ये पेयर बन गया हमारा आर और एस, जिस पर जो टकरा जाएगा दोस्तों 18 और 19, 19 संख्या लिखी है और 19 पे ये आ गया, तो इसलिए दोस्तों एक पेयर बन गया। अब इधर से तो दोस्तों हमने कर लिया, हमें इधर से और करना है, एस 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं बना दोस्तों, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये बन गया दोस्तों, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 लिखा है दोस्तों, 23 ही टकरा गया, तो आर और डब्लू दोस्तों ये बन गया हमारा। अब इसे गिनेंगे दोस्तों, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं बना दोस्तों, 4, 5, 6, 7 नहीं बना दोस्तों, 14 और 15 ये बन गया दोस्तों हमारा, 14 और 15 एन और ओ, और इससे अलग कोई भी नहीं बना दोस्तों, 15 और 16 तो दोनों तरफ से ख़त्म हो गया दोस्तों, इधर से भी इधर से भी, तो ये 4 बने हैं हमारे दोस्तों, 4 यही हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों। आपको बस काउंटिंग लिख कर दोस्तों गिनती करनी है, हो गया दोस्तों। अब देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे आपके दिमाग में दोस्तों ज़बरदस्ती घुसेड़ देंगे हम, टेंशन ना लो बिल्कुल भी आप। मैथमेटिक्स दोस्तों, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स ठीक है दोस्तों। तो अब आपको क्या लिखना है, काउंटिंग, ये भी दोस्तों दोनों तरफ ही करनी है हमें, 13, 1, 20, 8, 13, 1, 20, 9, 3, 19। तो दोस्तों आपको काउंटिंग कीजिए, इस बर्ड को पूरे बर्ड उस सीरीज में खींच दीजिए दोस्तों, पकड़ के पूरी सीरीज में ले जाइए आप। तो दोस्तों
तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस, एक नहीं बना दोस्तों, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नहीं बना दोस्तों, बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस, दोस्तों सत्ताईस नहीं करना है हमको, छब्बीस यहाँ हो गया तो दोस्तों फिर से एक से शुरू करना है हमें, यही तो बात गौर देने वाली दोस्तों, बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस यहाँ हो गया दोस्तों, तो हमें फिर से एक से लेना है दोस्तों, एक तो नहीं बना दोस्तों, आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, नहीं बना दोस्तों, तो तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह, नहीं बना दोस्तों, बीस इक्कीस बाईस तेईस, नहीं बना दोस्तों, एक दो तीन चार, नहीं बना दोस्तों, नौ दस, अब इधर से देखते हैं दोस्तों, इधर से तो हो गया दोस्तों, अब हम इधर से देखेंगे दोस्तों, उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस, एक, दोस्तों मैंने आपको बताया था उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस एक, फिर एक पर टकरा गया दोस्तों, छब्बीस से बाद हमें एक से फिर से काउंट करना है दोस्तों, तो एस और ए एक हमारा पेयर बन गया दोस्तों, अब और से भी चेक करेंगे दोस्तों, हम दो नहीं टकरा रहा है दोस्तों, तीन चार पाँच छः सात आठ, ये टकरा गया दोस्तों, तीन चार पाँच छः सात आठ, सी और एच, सी और एच दोस्तों, नौ दस ग्यारह, एक दो तीन चार पाँच छः तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह आठ नौ दस, और कोई भी पेयर नहीं बना दोस्तों, ये दो पेयर हैं हमारे, ये दो पेयर हैं दोस्तों, यही हमारा फाइनल आंसर है, और दोस्तों इसी के साथ ये टाइप भी कंप्लीट होता है, आप इसे नोट कीजिए, हम अपना नेक्स्ट टाइप देखें दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने ये नोट कर लिया होगा, तो अब हम टाइप देखेंगे नो, टाइप नो देखेंगे दोस्तों, और इसी टाइप के साथ दोस्तों ये अंग्रेजी वर्णमाला आपका पाठ ख़त्म हो जाएगा, और दोस्तों इस पाठ से रिलेटेड वैसे तो आपको कोई भी डाउट क्लियर बचेगा नहीं, और फिर भी आपको कुछ दिक्कत आ रही है दोस्तों तो हमसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और दोस्तों प्लीज़ हमारी पहले बार पार्ट फर्स्ट से लेकर चार पार्ट बने दोस्तों, चारों वीडियो को आप देखना, और कोई सी बुक लगा लेना, फिर आप कोई भी प्रश्न आपका बाकी नहीं बचेगा, तो जो ये टाइप नो है दोस्तों ये है अक्षरों का स्थान परिवर्तित होने पर, अक्षरों का स्थान परिवर्तित होने पर, अक्षरों का स्थान परिवर्तित परिवर्तित होने पर दोस्तों, परिवर्तित होने पर, तो परिवर्तित होने पर दोस्तों क्वेश्चन वन देखने वाले हैं हम, थ्योरी थोड़ी लंबी जाएगी दोस्तों, इसकी एक ही क्वेश्चन की थ्योरी लिखेंगे हम, यदि शब्द इनको प्रे आई बी आई एल आई टी आई टी आई ई एस में पहले अक्षर को दूसरे अक्षर कोमा तीसरे अक्षर और कोमा तीसरे अक्षर को चौथे अक्षर तथा चौथे अक्षर से बदल दिया जाए तथा यही क्रम आगे भी जारी हो तो
बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा, क्या होगा यह प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। बाएं से बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा दोस्तों, ये शब्द लिख दिया गया आपको 21 वर्ड का दोस्तों, ई एस बीस में ये दोस्तों, पहले अक्षर को दूसरे से और तीसरे अक्षर को चौथे से, पांचवें अक्षर को छठे से। तो दोस्तों इसके लिए भी आपके लिए हम 150 ट्रिक लाए हैं दोस्तों, क्या तो आप टाइम पास करने के लिए दोस्तों या 2 से 4 मिनट ख़राब करने के लिए बदल दो आप पहले को दूसरे से एन आई, तीसरे को चौथे से ओ सी, इसको दोस्तों इससे पी एम, आगे भी ये क्रम जारी है मतलब लास्ट तक यही क्रम जारी है। तो दोस्तों इस पर कांटा लगा दीजिए, कांटा लगा दीजिए दोस्तों इस पर, ये ट्रिक नहीं चलने वाली पेपर में दोस्तों। आपको अपना टाइम बचाना है, टाइम बचाना है दोस्तों, आपको अपना टाइम ख़राब नहीं करना है। तो दोस्तों ये शब्द लिखा है, उसने कहा पहले को दूसरे से, एक छोटे दोस्तों तीसरे को चौथे से। तो दोस्तों इसके लिए 150 ट्रिक है, आप गौर दीजिए थोड़ा सा। बाई ओर से पूछा उसने, बाई ओर से 15 दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दोस्तों उसने कहा बाई ओर से 15वां अक्षर क्या होगा। जब आपको पता है कि पहला दूसरे से, तीसरा चौथे से, तो दोस्तों आप 15 पे आइए सीधा, और दोस्तों आगे भी यही क्रम जारी है। तो 15वें अक्षर को दोस्तों 16वें अक्षर से बदलेगा वो दोस्तों, पहले को दूसरे से, तीसरे को चौथे से, पांचवें को छठे से, सातवें को आठवें से, नौवें को दसवें से, और 11वें को 12वें से, 13वें को 14वें से, और 15वें को 16वें से दोस्तों। तो 150 ट्रिक है दोस्तों, आपको टाइम ख़राब नहीं करना है, उस ट्रिक पर कांटा लगा दो और 15 को डायरेक्ट दोस्तों 16 से मैच कर दो दोस्तों। आप 15 को 16 से बदलेगा तो 15 के स्थान पर एल होगा, 16 के स्थान पर आई होगा। और उसने कहा बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा, तो बाईं पर दोस्तों एल आ रहा है, एल आ रहा है, तो इसका आंसर दोस्तों एल है, यही इसका आंसर है दोस्तों। आपको एक बार और समझा दूं मैं, क्या तो आप अपना टाइम ख़राब कर सकते हो दोस्तों, इसको इससे बदलोगे, इसको इससे बदलोगे, इसको इससे, इसको इसके। दोस्तों समझा देता हूँ मैं आपको बिल्कुल डीपली, इसको इससे बदला दोस्तों, इसको इससे बदला, पेयर बना लो दोस्तों आप, ये पेयर बने दोस्तों, ये पेयर बने दोस्तों। तो दोस्तों एक बात आप सपोज करो कि आपने बदल दिए मान लो ये, तो दोस्तों ये पेयर बैठ रहा है हमारा, ये यहाँ बैठ रहा है पेयर, ये दोस्तों 15 और 16 बार यहाँ बैठ रहा है, तो आपको 15 को 16 से चेंज करना पड़ा, जहाँ 15 है वहाँ 16 और जहाँ 16 है वहाँ 15। तो आई तो चला गया दोस्तों 16 स्थान पर और एल आ गया 15 स्थान पर, तो दोस्तों 15 पर एल होगा, तो यही इसका आंसर है। और इसके लिए आपको मैंने ट्रिक भी बता दी है दोस्तों, तो एल आपका फाइनल आंसर है, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम देखने वाले अपना सेकंड क्वेश्चन। तो नोट कर सकते हो दोस्त आप इसे, सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों डॉक्यूमेंट्स शब्द, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंटेशन टेशन, तो दोस्तों उसमें बुझा उसने तीसरे और दसवें, दोस्तों तीसरे और दसवें कोमा दूसरे और छठे एवं चौथे व सातवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए तो दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, तो दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा। तो दोस्तों फिर से आप अपना टाइम ख़राब कर सकते हो दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने लिखा है, उसने कहा तीसरे को 10वें दोस्तों, तीसरा होगा ये, मैं इसका वर्ड लिख लेता हूँ दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
दस, ग्यारह, बारह और तेरह। दोस्तों आप अपना टाइम भी ख़राब कर सकते हो, तीसरे को दस वैसे बदल दो, जहाँ सी है वहाँ टी है और जहाँ टी है वहाँ सी। तो दोस्तों आपको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, उस ट्रिक पर आप काटा लगा दो, भूल जाओ दोस्तों। बहुत से टीचर आपका टाइम ख़राब करने के लिए आपको ट्रिक बताते हैं, उसको भी आप दोस्तों ट्रिक बताते हैं कि आप ये बदलो ये बदलो ये बदलो, उसे भी ट्रिक बताते हैं, पर आप उस ट्रिक को भूल जाइए दोस्तों। अब मैदान में हम उतर चुके हैं दोस्तों, आपको टेंशन लेने की कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों उसने कहा तीसरे को दसवें, दूसरे को छठे एवं चौथे को सातवें अक्षर से। तो दोस्तों फिर उसने कहा दाएं से दसवां अक्षर क्या होगा, दाएं से दसवां अक्षर क्या होगा। तो दोस्तों दो, चार, छः, आठ, दस। दोस्तों दस पर बैठा है दाएं से, दाएं से कहा दोस्तों दाएं से। मैं इसे पूरे को यहाँ लिख लेता हूँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स ट्यूशन दोस्तों ये है। दोस्तों एक, दो, तीन, चार, पाँच, सात, आठ, नौ, तेरह। तो दोस्तों उसने कहा दाएं से दसवां अक्षर, दाएं से दसवां अक्षर, दसवां अक्षर दोस्तों। तो दाएं पर दसवां अक्षर दोस्तों चौथा बैठा, ये अक्षर बैठा हमारा चौथा। और दोस्तों चौथा अक्षर आप देख सकते हो, चौथा अक्षर कौन से उससे बदला दोस्तों, चौथा बदला उसने सातवें से, और सातवें पे बैठा है दोस्तों एन। चौथा अक्षर दोस्तों, चौथा अक्षर बैठा हमारा यू। मैं आपको डिटेल में लिख देता हूँ जो दोस्तों, दाएं से हमारा चौथा अक्षर बैठा यू, चौथा अक्षर यू। पर दोस्तों यू को चौथे अक्षर को बदला है ना दोस्तों, चौथे अक्षर को बदला है सातवें अक्षर से, और सातवें पे बैठा है दोस्तों एन। एन हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों, ये हमारी ट्रिक है दासू ट्रिक दोस्तों। आप ऐसे बदल भी सकते हो दोस्तों, और आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स लिखना है दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स लिख लिया आपने, व्यवस्थित क्रम लिख दिया दोस्तों इनका आपने, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और उसने कहा बाएं से बिना कुछ बदले दोस्तों बाएं से दसवां अक्षर, दसवां अक्षर हमारा आया यू। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों यू, और यू को उसने सात से बदला है, सात से आप बदल दिए, बदलने की भी जरूरत नहीं दोस्तों, आपको देखना है सात पर एन है, एन ही फाइनल आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ ये पूरा अंग्रेजी वर्णमाला पार्ट कंप्लीट होता है, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, और दोस्तों आपसे एक गुजारिश है, एक पार्ट से लेकर चार पार्ट हुए नहीं दोस्तों इसमें, और चारों पार्ट देखना आप, चारों पार्ट को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन आपका कम रह जाता है तो आप हमसे, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर से आप हमसे कॉल कर सकते हो दोस्तों कि आपसे ये आपने ये क्वेश्चन नहीं कराया क्लास में। तो दोस्तों आप हमारी क्लास, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।